वे कहां गई? परम धाम। सबरी जी ने एक बात जरूर कही, हे प्रभु, यदि आप आगे जा ही रहे हैं तो मेरा एक निवेदन है। क्या निवेदन है बोलो? हे पंपा सरही जाहु रघुराई, पंपा सरही जाहु रघुराई, तहां होए सुग्रीव मिताई। पंपा सर ही जाओ रघुराई, ये पंपा सर है आगे, वहां एक सुग्रीव नाम का दास रहता है आपका, आपका दास है। अच्छा, हमारा दास है? हाँ, सो सुग्रीव दास तो रहाई, सो सुग्रीव दास, वो आपका दास है, पंपापुर में रहता है। आप वहां जाएं और उससे जरूर मिलें, और मिलेंगे भी, लेकिन कहां हो सुग्रीव मिताई, उससे आपकी मित्रता होगी, उसे आप मित्र बना लेना। भगवान बोले, जब मेरा दास है वो, तो दास को मित्र कैसे बनाया जा सकता है? दास तो दास ही होता है, दास दोस्त को, दास दोस्त दास तो बन सकता है, लेकिन दास दोस्त कैसे बनेगा? है? बन सकता है क्या? सोचो। अच्छा, एक बात बताओ, बाप बेटे को भाई तो बना सकता है, लेकिन बाप नहीं बना सकता। भाई बराबरी का हो जाएगा तो भाई का दर्जा तो मिल जाता है। जैसे बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे से भैया कहता है, क्या कहता है? भैया, भाई कह लेता है वो, लेकिन बाप कह सकता है क्या? बोलो, बराबरी का दर्जा कैसे मिलेगा भाई? बाप वाला पद नहीं मिल सकता है, वो पहले से ही भाई दास है, वो कैसे मेरा भाई बन सकता है? मित्र, मित्र मानी बराबरी का। सबरी ने कहा, इस बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूं, लेकिन यह मेरा विश्वास है कि एक महात्मा आपको मिलेंगे, वो विवश करेंगे आपको, एक संत मिलेंगे आपको, वो आपको विवश करेंगे कि आप मित्र बनाइए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप दुनिया वालों की बात टाल सकते हैं, लेकिन संतों की बात नहीं टाल सकते। अच्छा, सबरी भी तो संत ही है, साध्वी भी है कि नहीं? बोलो भाई, क्या है सबरी? संत है वो, उसकी तो बचपन में शादी हो रही थी, लेकिन शादी नहीं की उसने, त्याग कर दिया, सांसारिकता से दूर हो गई, वैवाहिक बंधन से दूर रही है। परिवार वाले तो उसका विवाह करना चाहते थे, लेकिन उसने वैवाहिक जीवन को स्वीकार नहीं किया, एतावता वो विरक्त होकर के ही संत मतंग की सेवा करने लगी, वो संतों के बीच में रहने लगी। तो वो संत है, कह ये मैं जानती हूं कि आप संतों की बात टाल नहीं सकते हैं, भले ही दास मित्र नहीं बन सकता है, लेकिन संत यदि कहेंगे तो आप स्वीकार जरूर करेंगे। तो ये सत्य है कि अब दूसरे संत की भी मोहर लगेगी। अभी तो एक संत ने कहा ना सबरी ने, अब आगे हनुमंत जैसे संत मिलेंगे तो डबल मोहर लग गई, और जब डबल मोहर लग जाएगी तो भगवान को करना पड़ेगा कंपनी, ये कार्य करना पड़ेगा कि नहीं? स्वीकार करना ही पड़ेगा निश्चित रूप से, क्योंकि अभी तो सबरी ने कहा है, पंपा सरही जाहू रघुराई, उतहा होए सुग्रीव मिताई। वहां सुग्रीव से मित्रता होगी, एक संत ने कहा, और भगवान संतों की बात कभी टाल नहीं सकते हैं, फिर सांसारिक संबंधों पर भगवान ध्यान नहीं देते हैं, भगवान तो संत वाणी पर ध्यान देते हैं।
सबरी की बात सुन के भगवान आगे बढ़े। किष्किंधा का वो परिक्षेत्र जहां प्रवशन पर्वत है, ऋषिमुख पर्वत है, उस ऋषिमुख किष्किंधा क्षेत्र में ऋषिमुख पर्वत है। पंपापुर राजधानी है, एक राज्य की राजधानी है, लेकिन वो किष्किंधा का परिक्षेत्र है। उस किष्किंधा परिक्षेत्र में एक ऋषिमुख नाम का पर्वत है। उस ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव रहता है। अच्छा, पंपापुर में क्यों नहीं रहता है, ऋषिमुख पर्वत पर क्यों रहता है? पंपापुर में इसलिए नहीं रहता है कि बाली से विवाद चल रहा है। बाली और सुग्रीव दो भाई है ना, इन दोनों में विवाद चल रहा है, इसलिए वो बाली के भय से भयभीत है, पंपापुर में रह नहीं पा रहा है। वो प्रवसन पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर रह रहा है। तो ऋषिमुख पर्वत पर रह रहा है, क्या बाली से अगर शत्रुता है तो आखिर ऋषिमुख पर्वत भी तो पंपापुर राजधानी के अंतर्गत आता है। तो जब राजा बाली है और सुग्रीव को वो पसंद नहीं करता है, फिर उसके राज्य में स्थित पर्वत पर सुग्रीव कैसे रहता है? तो रहस्य यह है कि ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं जा सकता है। क्यों? श्राप मिला है बाली को, किस पर्वत पर यदि तू आ जाएगा तो भस्म हो जाएगा। ये अंतर कथा है। इस पर्वत पर अगर तू आ जाएगा तो भस्म हो जाएगा। तो सुग्रीव को एक सहारा मिल गया कि कम से कम निश्चिंत होकर के तो इस पर्वत पर रह सकते हैं, बाली आ नहीं सकता है, और हमें रहने के लिए सहारा मिल गया। सत्य तो यह है भैया कि पर्वत जहां जहां है वहां वहां ये विश्वास कर लेना चाहिए कि परमात्मा का वास, किसी ना किसी देवी देवता का पर्वतों पर वास रहता है। सिद्धों का तो वास रहता ही है पर्वतों के ऊपर, ज्यादातर सिद्ध पर्वतों के ऊपर ही रहते हैं। तो जहां जहां भी पर्वत हैं वहां वहां परमात्मा का वास है, वहां सिद्धों का भी वास है। तो जहां पर परमात्मा रहता हो और परमात्मा की गोद में कोई रहता हो, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? तो सुग्रीव कहां रहता है? ऋषिमुख पर्वत पर। भले ही कथा में यह बात आ जाती है कि वहां एक ऋषि के शाप के कारण बाली नहीं पहुंच सकता है, ये ठीक है कथा है, लेकिन सत्य तो ये है कि वो परमात्मा की गोद में बैठा हुआ है। अच्छा, एक बात और है, सहारा किसका है? जो परमात्मा पर विश्वास कर लेता है, हनुमान उसका सहारा बन जाता है। कौन बन जाता है? हनुमान। ये हनुमान जी उसके सहारे बन जाते हैं। बस भगवान के तुम हो जाओ, चाहे जितने संकट में क्यों ना हो, संकट में सहारा हनुमान जी बनेंगे। बस भगवान के हो जाना। अच्छा बताओ, संकट में हनुमान जी ही सुग्रीव के सहारे हैं कि नहीं? हनुमान जी सहारा बन गए कि नहीं सुग्रीव? वो किसके सहारे रहता है? सुग्रीव हनुमान जी के ही सहारे रह रहा है, क्योंकि परमात्मा का वास है वहां। पर्वत जहां होते हैं वहां परमात्मा का वास रहता है। लंका में भी परमात्मा का वास है पर्वत पर, त्रिकूट पर्वत पर। यहां सुवेल सहल रघुवीरा, बोलो भाई, सुवेल पर्वत पर भी भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे? वो लंका की भूमि है, जहां राजा रावण है, जहां का राजा ही रावण है, लेकिन भगवान ने लंका में यदि अपना स्थान बनाया है तो जानते हो सुवेल पर्वत पर बनाया है, त्रिकूट पर्वत पर बनाया है। बनाया कि नहीं? चित्रकूट में भी भगवान ने अपना स्थान बनाया है तो कामदगिरि पर्वत पर बनाया है। 11.5 वर्ष तक कामदगिरि पर्वत पर बैठे, चित्रकूट में भी कामदगिरि पर्वत पर बैठे हैं, और लंका में सुवेल पर्वत पर बैठे, चित्रकूट त्रिकूट पर्वत पर। तो बोलो निवास कहां कहां बनाया? पर्वत पर ही बनाया कि नहीं? बनाया पर्वत पर। सावधान, सुग्रीव हनुमान जी के सहारे है, क्योंकि हनुमान जी है ना साथ में।
अब भगवान की ओर बढ़े, पंपापुर की ओर बढ़े। किष्किंधा कांड यहां से प्रारंभ होता है। किष्किंधा कांड का पहला दोहा सोरठा, पहला सोरठा है मुक्ति जन्म मही जान, ज्ञान खान अगहान कर, जही बस शंभु सो काशी से ये कसन, आगे चले बहुर रघुराया, ऋषमुख पर्वत नी तहां रह सचिव सहत सुग्रीवा। सुग्रीव सचिवों के साथ रहता है, वानरों का राजा बन गया ये। किसका राजा बन गया? बानरों का राजा। हाँ भाई, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आपके साथ पूरा गांव आ जाए तो आप गांव के राजा बन जाएंगे? बन जाएंगे नहीं। पूरा गांव यदि आपके साथ जुड़ जाए तो आप गांव के राजा बन जाएंगे। पूरा प्रदेश आपके साथ जुड़ जाए आप प्रदेश के राजा बन जाएंगे। पूरा देश आपके साथ जुड़ जाए आप देश के राजा बन जाएंगे। ये जितनी भी बानर प्रजाति है वो सब जो है सुग्रीव के साथ हो गए, तो बानरों का राजा बन गया। उन्हीं में उसने सचिव बना दिए। अच्छा, हनुमान जी क्या है? बानराणाम धीशम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज भी रहते हैं सुग्रीव के साथ ही। लेकिन याद रखना, और सब जितने भी हैं वो बानर हैं सुग्रीव के पास, लेकिन हनुमान जी महाराज विकल्प हैं। क्या हैं? विकल्प। और बानर विकल्प नहीं है, हनुमान जी विकल्प हैं। और सत्य है सुग्रीव के भी विकल्प हैं हनुमान जी, और सुग्रीव की बात छोड़ो स्वयं भगवान राम के भी विकल्प हैं हनुमान जी। राम जी का राम काज करवे को आतुर, राम जी का सबसे ज्यादा कार्य किया है तो हनुमान जी ने किया है। जब भी कोई विपत्ति आई आपत्ति आई तो उसको किसने संभाला है? हनुमान जी ने संभाला है। इसलिए हनुमान जी विकल्प हैं और सब बानर हैं। देखने में हनुमान जी बानर लगते हैं लेकिन वस्तुतः वो हैं विकल्प, और स्वयं राम जी के विकल्प हैं। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, कपि संकट मोचन नाम तिहारो, काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सुसंकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो। बेगिहरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ऐसे श्री हनुमान जी विकल्प हैं। भगवान जैसे ही किष्किंधा में प्रवेश किए, किष्किंधा में प्रवेश ही किए प्यारे, पर्वत पर रहता है सुग्रीव, ऋषमुख पर्वत पर उसने देख लिया दूर से। अच्छा, पर्वत पर कोई हो ऊंचाई पर तो कोई धरती पर चल के, धरती पर चल रहा है और चल के आ रहा है तो धरती वाला व्यक्ति पहाड़ वाले को नहीं देख पाएगा, लेकिन पहाड़ वाला व्यक्ति धरती वाले को देख लेगा। तो यहां सुग्रीव ने भगवान को देखा, जैसे ही देखा तो भय व्याप्त हो गया। क्यों भैया? भगवान का दर्शन हो। एक बात और बतावें, भगवान को दूर से मत देखो, भगवान के पास चल के जाओ। मंदिर का क्या देगा दिखाई? शिखर, झंडा फहराता हुआ, ये शिखर झंडा फहरा रहा, ये शिखर दिखाई देगा, लहरा रहा है, कोई देवी देवता का स्थान है। लेकिन जब पास में आप पहुंच जाएंगे तो विग्रह का दर्शन हो जाएगा।
इसलिए संतों ने कहा है कि हमेशा चल के आओ घर से मंदिर में दर्शन करने। ये नहीं कि घर में खड़े छत के ऊपर हनुमान जी का झंडा दर्शन हो गया, बोलो हनुमान जी की जय, वहीं से कर रहे हो छत पर चढ़े हुए हैं, स्लेब पर चढ़ गए आप ऊंचाई पर, वहीं से हनुमान जी का दर्शन देखो हो गया ना, झंडा दिखाई दे गया है और वहीं से हनुमान जी की जय हनुमान जी। नहीं, चल के आइए आप दर्शन कर, परिक्रमा का दर्शन हो गया हो गया हो गया, ऐसे कैसे हो गया, पास में चल के आओ। सुग्रीव को चल के आना चाहिए था, हनुमान जी पास में आ गए। बड़ी अच्छी कथा है, इस कथा को जरूर सुनना क्योंकि मुझे 14 तारीख तक रहना है, नौमी है ना 14 को, 14 को ही राम कथा विश्रामित होगी, 14 को कथा कह के ही मैं चित्रकूट वापस चला जाऊंगा और आप सबका संदेश कामतानाथ जी को सुनाऊंगा। दूत बन जो आएगा मेरे पास उसका ही तो संदेश सुनाऊंगा, जो आएगा ही नहीं उसका क्या संदेश सुना दूं, हैं? जो आएगा नहीं उसके लिए तो संदेश बन जाएगा, उसका संदेश कामतानाथ जी को जरूर सुनाया जाएगा। इसलिए कथा में सभी हे हनुमान सामने देखो, शस्त्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शस्त्र की गोली एक बार शायद मिस हो सकती है, हो जाती है कि नहीं, अस्तित्वहीन हो सकती है शस्त्र की गोली, लेकिन अगर विद्वान ब्राह्मण है तो उसकी बोली कभी अस्तित्वहीन नहीं हो सकती है। अगर वो सच्चे मन से बोल गया तो निश्चित रूप से कार्य भी सफल होगा और हर प्रकार का समाधान भी मिल जाएगा। अगर सच्चे मन से बोल गया, यही काम करते थे, रत्नाकर नाम था उनका, लेकिन प्यारे लूटते रहे, मारते रहे, पीटते रहे। वाल्मीकि जी की बात बता रहा हूं, वो रत्नाकर, पूर्व का नाम रत्नाकर, तब वाल्मीकि नहीं बने थे, महर्षि वाल्मीकि तो बाद में बने, पहले रत्नाकर नाम था उनका, रत्नाकर नाम था, उसी रत्नाकर डाकू के नाम से खूब लूटा उन्होंने। लेकिन प्यारे जब ऋषि मंडल आ रहा था, सप्त ऋषि आ रहे थे, उनको भी लूटने लगे तो उन्होंने कहा रुको रुको, लूटपाट करना तो तुम्हारा काम ही है और हमारे पास तो वैसे कुछ है नहीं। तो रत्नाकर बोला कि तुम्हारे पास कुछ है नहीं और सुबह से हम यहीं खड़े रहे, कोई आया नहीं, कुछ भी नहीं दिया और हमें कुछ मिला नहीं, और आए हो तो ऐसे आए हो जिसके पास कुछ नहीं, तो जो भी है वो सब ले लूंगा। कहे कमंडल है, लेना हो तो ले लो कमंडल। कहे कमंडल ही ले लूंगा। कहे सुनो, कमंडल लेना साधारण नहीं होता है, कमंडल ले लोगे तो डाकू नहीं रहोगे। अच्छा बोलो भाई, कमंडल कोई हाथ में ले ले तो डाकू होगा कि साधु होगा, बोलो जल्दी। ये कमंडल लेना साधारण बात नहीं है, कमंडल यदि तुमने हाथ में ले लिया तो फिर डाकू कहां रहोगे, फिर तो साधु बन जाओगे। इसलिए सोच समझ लो तब कमंडल लो, और कमंडल ही है हमारे पास और कुछ नहीं है। लंगोटी पहने थे, कोपिन धारण किए थे, हाथ में कमंडल लिए थे, बस इतना ही था उनके पास और कुछ था ही नहीं। कहे कमंडल कोपिन दो चीजें हैं मेरे पास, और यदि तुम लेना ही चाहते हो तो कोपिन भी ले लो और कमंडल भी ले लो, तो फिर डाकू कहां रहे, फिर क्या बन गए, साधु बन गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये तुम पाप कर रहे हो कि पुण्य कर रहे हो। कहे पाप। तो जब जानते हो कि ये पाप है तो क्यों कर रहे हो, और पाप का परिणाम नहीं जानते हो। कहे बात ये है कि पाप तो कर रहा हूं लेकिन ये पुण्य है कि परिवार का प्रतिपाल कर रहा हूं इसी से। अरे बोले ये पुण्य की परिभाषा नहीं है कि पाप की कमाई जो है परिवार में लगाओ, कहे ये पुण्य हो रहा है, पाप की कमाई से कोई परिपालित हो रहा है तो वो पुण्य नहीं है, अथवा जो पाप की कमाई दे रहा है परिवार को तो वो परिवार के साथ पुण्य नहीं कर रहा है, ना परिवार को इसका पुण्य मिल रहा है। पाप की कमाई कमाने वाला भी पापी है और पाप की कमाई को खाने वाला भी पापी है प्यारे, दोनों ही पापी हैं, दोनों ही अपराधी हैं।
बस किसी का ज्यादा अपराध है किसी का कम है, लेकिन अपराधी दोनों है पापी दोनों है। ना तो पाप की कमाई कमाना चाहिए और ना पाप की कमाई को स्वीकार करना चाहिए, बचना चाहिए। कह पहले ये बताओ कि ये पाप की कमाई कहां ले जाते हो? का परिवार में। अच्छा परिवार में ले जाते हो, पाप तुम कर रहे हो, कमाई परिवार को दे रहे हो। पहले परिवार वालों से जाके पूछ के आओ कि जो मैं पाप कर रहा हूं उस पाप को भी तुम लोग थोड़ा थोड़ा बांट रहे हो कि नहीं बांट रहे हो, कि धन ही दौलत बांट रहे हो खाली, कि पाप को भी बांट रहे हो। जाओ ये सत्संग है, ये क्या है प्यारे, ये सत्संग है, ये सत्संग की महिमा है। अगर ऋषि मुनि महात्मा ना मिले होते तो बोलो हृदय परिवर्तन होता रत्नाकर डाकू का? गए परिवार वालों से पूछा कि जो मैं कर रहा हूं वो क्या कर रहा हूं? बोले पाप। कमाई जो आ रही है? बोले पाप की कमाई। कह दे किसको रहा हूं? परिवार वाले बोले हम लोगों को। लेकिन जो पाप मैं कर रहा हूं उस पाप के साथ भी तुम्हारा शेयर है, बंटवारा है कि नहीं? कहना ना ना ना, धन दौलत हम लेंगे, पाप तुम्हारे पास ही रहेगा। बस हृदय बदल गया। इसका मतलब है कि परिवार भी पाप की कमाई खाता है तो वो पाप को नहीं लेना चाहता है, केवल कमाई को लेना चाहता है। यद्यपि दोष उसे भी लगता है लेकिन वो पाप को स्वीकार नहीं करना चाहता। उसकी धारणा है, ये क्या धारणा है कि मैं धन लूंगा लेकिन तुम्हारा पाप नहीं लूंगा। जबकि पाप भी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? बोलो भाई लेना चाहिए कि नहीं? लेना चाहिए, पाप भी लेना चाहिए, लेकिन नहीं, धन लेंगे, पाप का धन लेंगे लेकिन पाप को नहीं लेंगे। सावधान, हृदय बदल गया। आए चरणों में गिर पड़े महात्माओं के, कहा बस ज्ञान हो गया, ज्ञान हो। कमंडल हाथ में ले लिया, कोपिन धारण कर लिया, तपस्या करने लगे। इतने बड़े तपस्वी हुए कि रास्ते में डकैती डालते थे, राहजनी करते थे, चलते हुए का रास्ता रोकते थे। इतने बड़े महात्मा हुए महर्षि वाल्मीकि के। एक दिन वो समय आया कि भगवान राम को भी उन्होंने रास्ता बताया है। चित्रकूट गिर करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। इतने बड़े संत बने। बोलो हृदय किसने बदला? सत्संग ने। परिवर्तन किसने किया? सत्संग ने। जो क्रूरता थी वो किसने समाप्त की? संतों के सत्संग ने। इसलिए सत्संग करने से क्रूरता समाप्त हो जाती है, सत्संग सुनने से हृदय निर्मल हो जाता है, हमारे जीवन के जो पाप होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं, हम निष्पाप होकर के भगवान के हो जाते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। इसलिए आज सुग्रीव कहता है कि ये बाली के भेजे हुए दोनों शत्रु आ रहे हैं, जाकर के तुम इनको रोको और ब्राह्मण बन के जाओ, धर्मवट रूप ब्राह्मण बनो। हनुमान जी ने कहा कि आप कह रहे हो तो मैं बन रहा हूं, नहीं तो वैसे तो मैं बंदर ही बना हूं। अच्छा भगवान शंकर ही बंदर बने, ये बानर कौन बने? भगवान शंकर। ग्यारहवें रुद्र में शंकर जी ही बानर बने। जहीं शरीर रति राम सो सोई आदर ही सुजान, रुद्र देह तज नेह वह शंकर भय हनुमान। जान राम सेवा सर समुझ कीन अनुमान, पुरखाते लड़िका भय हरते भय हनुमान। ये हनुमान जी जो है ना बानर, ये भगवान शिव ही है ग्यारहवें रुद्र में। चलो अब कह रहे हो ब्राह्मण तो मैं ब्राह्मण बना जाता हूं। मेकअप किया, एक पुस्तक हाथ में ली, चल दिए खड़ाऊ पहन के प्यारे। लेकिन सत्य कह रहा हूं आपसे, नकली ब्राह्मण में और असली ब्राह्मण में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। बनना अलग बात है, वास्तविकता आना अलग बात है। मैं एक बात कह रहा हूं, हनुमान जी के चरित्र से शिक्षा लो कि हनुमान जी जैसे ही ब्राह्मण बन के पहुंचे तो रघुवंश की परंपरा है कि ब्राह्मण को सामने देख लेते हैं रघुवंशी तो प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण है ना प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण को कवच मानते हैं कि हमारी रक्षा करने वाला होता है। अच्छा ब्राह्मण का भी कार्य यही था कि जो भी तप करता था ब्राह्मण वो समाज के कल्याण के लिए करता था, यानी उसका आशीर्वाद समाज का कवच बन जाता था। क्या बन जाता था? कवच। तभी तो लोग कहते थे पाए लागे महाराज
तो कहते थे खुश रहो। इसका मतलब है कि सुबह सुबह लोग निकलते थे तो ब्राह्मण को महाराज पाए लागे, अच्छा खुश रहो। इसका मतलब है कवच, ये आशीर्वाद क्या बन गया, कवच बन गया। लेकिन प्यारे आशीर्वाद देने की पात्रता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। ऐसा काम नहीं हो इन हाथों से कि हम आशीर्वाद देने के लायक न रहे। इसलिए सोच समझ करके ब्राह्मण को एक एक कदम उठाना चाहिए और उसका जीवन सात्विकी होना चाहिए, उसका जीवन तपस्वी होना चाहिए। उसके हाथ में बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन इतना सुंदर स्वर्णिम अवसर अगर भगवान ने तुम्हें दिया है तो उसका दुरुपयोग मत करो, उसका सदुपयोग करो। जीवन की सार्थकता इसी में है। हम ब्राह्मण बने हैं तो हमें ब्राह्मणत्व होना चाहिए, हमें देवत्व होना चाहिए। तुम धरती के देवता हो, भूषण कहा जाता है, धरती के देवता हो, हमारे अंदर देवत्व होना चाहिए। हमारी जो परंपरा आर्य संस्कृति, हमारी जो पुरानी परंपरा है, सनातन संस्कृति है, उस सनातन संस्कृति ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों का हमें पूर्णतः पालन करना चाहिए। देखो कितना बड़ा सम्मान होता है ब्राह्मण का। भगवान राम के पास पहुंचे हनुमान जी, लेकिन ब्राह्मण बन के गए। जब ब्राह्मण बन के गए, विप्ररूप धरी कपितह गए, ब्राह्मण बन के गए, माथ ना पूछत अस भयउ, विप्र रूप धर कपितह गयउ। जैसे ब्राह्मण का भेष बना के हनुमान जी पहुंचे तो हनुमान जी ने पहले ही प्रणाम कर लिया, राम जी ने प्रणाम नहीं कर पाया। जबकि राम जी प्रणाम करते हैं ब्राह्मणों को, यह नियम है, ब्राह्मण से प्रणाम नहीं करवाते हैं, ब्राह्मण को ही प्रणाम करते हैं। लेकिन जैसे ही हनुमान जी पहुंचे तो लक्ष्मण जी ने दूर से देखा, कहा भैया भैया रोना बंद करो। कहा क्यों? बोले शगुन हो गया। शगुन क्या? शगुन हो गया। कहे हमने ये सुना है कि अगर किसी कार्य की सफलता के लिए आप निकले हैं और गौ माता बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखाई दे जाए तो ये विश्वास हो जाता है कि कार्य सफल होगा। एक तो ये शगुन है, नकुल न्योले का दर्शन हो जाए। क्यों भाई? सामने से न्योला निकल जाए। क्या कहते हैं? नकुल न्योला कहते हैं। हाँ, यदि सामने से निकल जाए नकुल तो शुभ माना जाता है। पनघट से सुहागवती नारी यदि पनघट से आ रही है और सिर पर भरा हुआ जल से भरा घड़ा रखे, घट रखे है, तो बोलो शगुन माना जाता है कि नहीं माना जाता है? ठीक इसी प्रकार से ब्राह्मण सामने से मस्तक पर चंदन हो, यज्ञोपवीत दिखाई दे रहा हो, हाथ में शास्त्र हो, खड़ाऊं पहने हो, चोटी में गांठ लगी हो, अगर इस भेष में ब्राह्मण का दर्शन हो जाए प्रातः वेला में तो कार्य की सफलता सुनिश्चित मानी जाती है। देखिए देखिए, हम और आप सीता जी की खोज में निकले हैं और ब्राह्मण का दर्शन हो गया, अब कन्फर्म है, कन्फर्म है सीता जी मिलेंगी। अच्छा ये भी बात सत्य है कि कंफर्म भी है सीता जी मिलेंगी। हनुमान जी मिल गए तो कंफर्म है कि सीता जी मिलेंगी, हनुमान जी मिल गए तो सीता जी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, कंफर्म है। लेकिन लक्ष्मण जी कहते ब्राह्मण का दर्शन हो गया है, ये शुभ संदेश है हमारे और आपके लिए, शुभ संकेत भी है हमारे आपके लिए कि अब तो निश्चित रूप से हमें श्री जानकी जी मिलेंगे। भगवान राम ने कहा चुप रहो, ये वन है, वन में बनावटी लोग ज्यादा घूमते हैं, हो सकता है कि कोई बनावटी वेश धारण करके आ गया हो ब्राह्मण का, तो चुप रहो, बीच में बोलते क्यों हो। लक्ष्मण जी बोले बनावटी कैसे, सामने चला आ रहा है, हम देख रहे हैं, उसका व्यक्तित्व बता रहा है कितना सुंदर व्यक्तित्व। अरे तो चुप तो रहो भाई, आने तो दो पास में, आखिर हम भी तो समझ लें कि कैसा ब्राह्मण, कहाँ का ब्राह्मण है, नाम गाम ठाम क्या है, पूछे तो तब तो पता लगे, लेकिन तुम शांत रहो, आने तो दो। लक्ष्मण जी बोले हम तो साष्टांग प्रणाम करके आशीर्वाद लेंगे और ये जरूर कहेंगे कि आपका ज्योतिष क्या बता रहा है, किस दिशा में जाऊं मेरी भाभी जी मिल जाए। और निश्चित है इतना बड़ा विद्वान है तो ज्योतिषी जरूर होगा।
और ज्योतिषी होगा तो बता देगा, तुरंत मस्तक को देख के बताएगा, भैया हाथ देखने की जरूरत ही नहीं है, मस्तक देख के बता देगा, इतना विद्वान लग रहा है कि तुरंत बताएगा कि भटकने की जरूरत नहीं है, अमुक दिशा में चले जाओ, वहां अमुक स्थान पर सीता जी बैठी हैं, बस इतना ही पर्याप्त है हमारे आपके लिए। लेकिन जैसे ही आएगा तो सबसे पहले तो हम प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे। भगवान राम बोले, पंडित जी पहले मौका तो देवें तब ना, आने तो दो। जैसे ही भगवान श्री राम के समीप पहुंचे हनुमान जी, विप्ररूप धर कपि तह गए, और लक्ष्मण जी ने प्रणाम नहीं कर पाया, माथ नाय पूछत यस भयउ। हनुमान जी पहले ही प्रणाम कर लिए, लक्ष्मण जी बोले नकली ब्राह्मण है भैया, असली नहीं है, हम लोग प्रणाम करते आशीर्वाद देता है तो पहले ही प्रणाम कर बैठा। भगवान राम ने कहा अभी चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, मैं अभी पता लगाता हूं असली है कि नकली है, तुम चुप रहो। अब भगवान देख रहे हैं हनुमान जी को, हनुमान जी को देख रहे हैं भगवान, हनुमान जी भगवान के चरणारविंदों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? चरणारविंदों को। क्यों? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, फिर वही श्लोक आ गया, वही भाव आ गया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। हनुमान जी का सिर झुका रहता है जब कीर्तन करते हैं, तो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं तो भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हैं, और जब ध्यान करते हैं तो मस्तक झुका लेते हैं, जब मस्तक झुकाते हैं तो भगवान का ध्यान करेंगे तो ईमानदारी से बताओ दृष्टि चरणों पर जाएगी कि नहीं जाएगी? कहां जाएगी दृष्टि? चरणारविंदों में दृष्टि जाएगी। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। तो हनुमान जी ने भगवान के श्री चरण देखे, माथ नाये पूछत हस भयो, चरण देखे, मस्तक झुका तो चरण दिखाई दे गए, और जब चरण दिखाई दिए तो पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? जरा मैं पूछूं तो कि जिन चरणों का हम नित्य ध्यान करते हैं वैसे ही तो ये चरण हैं, जिनका हनुमान जी सोच रहे कि अरे जिन चरणों का मैं ध्यान करता हूं वही चरण मुझे दिखाई दे रहे हैं जिनका मैं नित्य ध्यान करता हूं, लेकिन फिर भी पूछ लूं। तो माथ नाय पूछत यस भयउ, को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्री रूप फिरो बनवीरा, कठिन भूम कोमल पद गामी कवन हेतु बन विचिरहु स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहित दुसह बन आतपि बाता, के तुम तीन देव मह को नर नारायण के तुम दो जग कारण तारण भव, किसकिंधा कायन जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, के तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। मैंने आपको पहचान लिया प्रभु पहचान परऊ गहि चरना, प्रभु पहचान परऊ गहि चरना, सो सुख उमा जाहे नहीं वरना। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती ऐसा सुख पहली बार मिल रहा है मुझे, क्योंकि ये तो चरण पकड़ने ही नहीं देते थे जब शिव रूप में रहे तो चरण नहीं पकड़ने देते थे, हमारे ही चरण पकड़ लेते थे दौड़ के, लेकिन आज मैंने चरण पकड़ लिए हैं, प्रभु पहचान लिया कि ये मेरे प्रभु हैं, प्रभु पहचान अरे परऊ गहि चरना, सो सुख उमा जाहे नहीं। जैसे पकड़े चरण, भगवान बोले छोड़ो 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 छोड़ो, ये क्या करते हो? ब्राह्मण होकर के छत्री के पैर पकड़ते हो? मैं दोनों ही नकली बने हुए हो क्यों भाई? हम भी नकली ब्राह्मण बने हो, तुम भी नकली छत्री हो। अच्छा बोलो, ब्रह्म क्या किसी जाति से बंधा होता है? जल्दी बोलो, ब्रह्म जाति बंधन से परे होता है कि नहीं?
ब्रह्म का तो जो ध्यान करता है उसी का हो जाता है, चाहे जिस जाति वाला हो। बोलो रैदास का भी वो ब्रह्म हुआ कि नहीं हुआ? भगवान ने रैदास को भी स्वीकार किया कि नहीं किया? भगवान ने कबीर दास को स्वीकार किया कि नहीं किया? और फिर भगवान ने तुलसीदास को स्वीकार किया। तो कहां तुलसीदास जो विप्र कुल में जन्म लिए थे, और कहां रैदास और कबीरदास निम्न कुल में जन्म। लेकिन समान रूप से भगवान ने तुलसीदास को भी स्वीकार किया तो कबीर दास और रैदास को भी स्वीकार किया है। इसलिए सत्य तो यह है कि वो अगर किसी के घर में आया है तो ये लीला है, लेकिन वास्तव में वो जाति बंधन से मुक्त होता है। होता है कि नहीं? जाति बंधन से वो मुक्त होता है। वो तो जिस जो चिंतन उसका करता है वो उसी का हो जाता है। तो सत्य तो यह है, हनुमान जी कह रहे हैं कि ना मैं बंदर हूं ना आप क्षत्रिय हैं, और ना मैं ब्राह्मण हूं ना आप क्षत्रिय हैं, और मैं बंदर भी नहीं हूं। सही बात तो यह है कि जो मैं मान शंकर ये शिव जी हैं। कौन है? अच्छा शिव। शिव जी को बंदर कहोगे क्या? बोलो ना। तो शिव जी को बंदर कहोगे और ना शिव जी को ब्राह्मण कहोगे? ब्राह्मण कहोगे। अच्छा शिव जी के माता पिता का नाम बताओ जरा। शंकर जी के माँ बाप का नाम कोई बतावे तो बताए, बताए कोई हो हिम्मत वाला तो बतावे। लेकिन सत्य है वही शिव जब लीला करने लगता है तो हनुमान बन जाता है, तो उसकी माँ का नाम और पिता का नाम शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन। बोलो नाम हो गया कि नहीं? माता माँ का नाम, पिता का नाम शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग वंदन, अन्यनी पुत्र महा बलदाई संतन के प्रभु सदा सहाय। माँ का भी नाम आ गया और पिता का भी नाम आ गया। क्यों? क्योंकि उसने रूप बदला है, तो रूप बदलेगा तो माता पिता का नाम आ जाएगा। वस्तुतः कौन माँ है कौन पिता है ये कैसे चैलेंज कर सकते हो? निर्गुण ब्रह्म के माँ बाप का नाम बताओ जरा। कोई बता सकता है निर्गुण ब्रह्म के माँ बाप का नाम क्या है? है? लेकिन जब वो सगुण बनता है भक्त के आग्रह पर तो उसका माँ, उसकी माँ भी होती है, उसका पिता भी होता है, उसका परिवार भी होता है, उसकी जाति भी होती है। तो हनुमान जी यही कह रहे हैं कि सही बात तो यह है कि ना आप असली क्षत्रिय हो ना हम असली ब्राह्मण, दोनों ही बने बनाए हैं। आप भी बन के आए हो वन में और हम भी बन के आए हैं वन में, इसलिए दोनों वनवासी हुए हैं। प्रभु पहचान परे उ गही चरना सो सुख उमा जाहे नहीं बरना। बस हनुमान जी ने तो चरण पकड़ लिए। भगवान बोले ब्राह्मण हो चरण मत पकड़ो। हनुमान जी ने कहा सही बताऊं आपको भी मैं पहचान रहा हूं आप कौन हो। अच्छा कौन हूं मैं? हनुमान जी बोले जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार। आप जगत के जन्म के कारण हो। ये संपूर्ण जगत का जो जन्म हुआ है वो आपके द्वारा ही हुआ है। अच्छा बोलो ये जगत का जो जन्म हुआ है तो जगत के जन्म का कारण कौन है? परमात्मा। बोलो है कि नहीं? ईश्वर विधाता। बोलो है कि नहीं? जग कारण तारण भव। जगत के जन्म के भी आप कारण हैं और जगत के उद्धार के भी आप कारण हैं। आपने जन्म भी दिया है और आप उद्धार भी करते हैं। भंजन धरणी भार। आप पृथ्वी का भी भार हटाने वाले हैं। कै तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप अखिल भुवन पति हैं, अखिल ब्रह्मांड नायक। अच्छा जो बात हनुमान जी ने कही वो सत्य है कि नहीं? बोलो जो बात हनुमान जी कह रहे हैं वो सत्य है कि नहीं? अखिल भुवन पति हैं कि नहीं? पूरे पृथ्वी का भार हटाने वाले कौन हैं? भगवान। भंजन धरणी भार। लक्ष्मण जी बोले भैया इस मर्म को तो हम भी नहीं जानते थे, आज ये मर्म खुल गया है, ये रहस्य आज खुल गया कि आप हैं क्या। मैं तो यही जानता था कि आप मेरे बड़े भाई हैं, इतना ही मैं जानता था। आज ये मर्म खुल गया
क्योंकि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कछु चरित्र रचे हो भगवाना। लक्ष्मण जी भी इस मर्म को नहीं जान पाए थे, आज लक्ष्मण जी बोले मर्म खुल गया कि आप हैं क्या, जग कारण, जगत के जन्म के कारण आप हैं। मैं तो ये जानता था कि महाराज श्री दशरथ ने आपको जन्म दिया। भगवान राम बोले लक्ष्मण तुम ठीक जानते हो, कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए, यहाँ हरीन सिचर बैदेही विप्र फिरे हम खोजत ते ही, आपन चरित कहा हम गाई और कहो विप्र निज कथा बुझाई। हनुमान जी बोले अब तो और क्लियर मोहर लग गई कि आप वही हैं जो हम सोच रहे, भले ही आप कहो कौशलेश दशरथ के जाए, दशरथ जी आपके जन्म के कारण नहीं है, आप ही संपूर्ण जगत के जन्म के कारण हैं और जगत में ही दशरथ का जन्म हुआ है, इसलिए आप जगत के जन्म के कारण हैं, अर्थात आप सभी के जन्म के कारण हैं। आपको जन्म देने वाला कोई संसार का सामान्य मानव नहीं हो सकता है। अब मैं और क्लियर कर रहा हूं, हनुमान जी बोले कि विश्वास हो गया। अच्छा विश्वास कैसे, बोले आप जब बोले तब और क्लियर हो गया कि आप वास्तव में वही हैं जो हम सोच रहे। कैसे? हनुमान जी ने कहा ऐसे कि आप ये कह रहे कि मैं महाराज दशरथ का चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा हूं, और आपने ये भी बताया कि उनका मरण हो चुका है, और ये भी बताया कि मेरी पत्नी का यहाँ हरण हो चुका है। तो जब पिता का मरण हो चुका है यह मालूम आपको है, और पत्नी का हरण हो चुका है, तो जिसके पिता का मरण हो जाए और जिसकी पत्नी का हरण हो जाए वो अपनी कथा गाके सुनाएगा कि रोके? बोलो इस कंडीशन में व्यक्ति रोएगा कि गाएगा, जल्दी बोलो। वो तो रोएगा। हनुमान जी बोले अब और क्लियर हो गया, मोहर लग गई, अब तो कंफर्म हो गया कि जो मैं सोच रहा है वही है आप, क्योंकि आप ही कह रहे आपन। वो सुख में तो गाएगा लेकिन दुख में वो गाएगा नहीं, वो रोएगा। आप वही हैं, ब्रह्म हैं, जगदीश्वर हैं, जगत नियंता हैं, सर्वेश्वर हैं, क्योंकि आप दुख में भी गा रहे हैं। आपन चरित का हम गाई। हनुमान जी ने कहा और सुनिए प्रभु, कहे सुनाओ सुनाओ। हनुमान जी ने कहा जीवात्मा की कहानी में और परमात्मा की कहानी में यही अंतर है। क्या अंतर है? जीव की कहानी दुख से शुरू होती है और चिंता में समाप्त हो जाती है। बोलो ये जीव की कहानी है, दुख से शुरू होती है और चिंता में समाप्त हो जाती है। जैसे जीव जब जगत में आता है तो बोलो रोते हुए आता है कि हंसते हुए, जल्दी बोलो। रोते तो रो रहा है, इसका मतलब दुख है, तभी तो रो रहा है व्यक्ति, नहीं कैसे कैसे रोएगा। पैदा होते ही रोता है, और अगर वो रोता नहीं है तो ये जबरदस्ती उसको रुलाती है। क्यों? मतलब ये रुलाती है किसी तरह से, ऐसे वैसे यूं करके उसको रुला देंगे। प्रयास पूरा रहेगा 100% कि इसको रुला दिया जाए। क्यों भाई? रुलाने वाला प्रयास रहेगा, और जब तक वो रोएगा नहीं तब तक चैन की सांस नहीं लेंगी, रुलाने में ही लगी रहेंगी, पूरी ताकत लगा देंगी कि रोए कैसे। इसका मतलब है जीव जब जगत में आता है तो रोता हुआ आता है, और जब जाता है तो चिंता में चला जाता है। बोलो जाता है चिंता में कि नहीं? मैं एक बात और कह रहा हूं, अवस्था बूढ़ा उतना नहीं बनाती है, समस्याएं जितना बूढ़ा बना देती है। समस्याएं जितना बूढ़ा बना देती हैं, अवस्था उतना बूढ़ा नहीं बनाती है। और लोग इतना समस्याओं में ग्रसे रहते हैं कि रात दिन चिंता, रात दिन चिंता शुरू होती है। किससे? सुख से। परमात्मा की कहानी